हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति हमारे जैसा है और भगवान भी हमारे जैसे हैं। अगर भगवान हमारे जैसे हैं तो क्यों भगवान की लिखी हुई या कही हुई भगवद गीता को हम पढ़ के आगे बढ़ें, या क्यों भगवान के नाम का जप करें, अपने नाम का जप करो। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 3। ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अर्जुन का प्रश्न था कि ज्ञान या भक्ति, तो भगवान ने उत्तर तो दिया दूसरे नंबर श्लोक में, अब तीसरे में और उसको बैकअप दे रहे हैं कि ज्ञान में क्या होता है। तो शुष्क ज्ञान होता है ना, मतलब ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ये भेद बुद्धि लगा दिया ना, ये तो द्वंद्व हो गया। तो अगर मेरे अंदर द्वंद्व है तो फिर ज्ञान की तो कमी है ना, पूर्ण ज्ञान नहीं है। मतलब ज्ञान होने से तो द्वंद्व नहीं होना चाहिए। द्वंद्व क्या होता है? सुख दुख, ये जोड़ी, सुबह शाम, प्रकाश अंधकार, ये द्वंद्व है। अच्छा बुरा ये द्वंद्व है, पाप पुण्य ये सब द्वंद्व है। तो ये संसार तो द्वंद्व का संसार है। अगर आपको ज्ञान मिल गया, ऐसे अगर ज्ञानी कोई कहता है कि मुझे ज्ञान सारा प्राप्त हो गया, फिर आप द्वंद्व में क्यों हैं? आप क्यों कहते हैं ये नहीं करूंगा मैं, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर कोई कहेगा कि भक्ति भी तो हम करते हैं, तो भक्ति में तो नियम है कि ये करो ये नहीं करो, भक्ति में भी तो ऐसे है, तो ये भी तो द्वंद्व है। वो द्वंद्व नहीं है। भक्ति के नियम क्या है कि आप आगे बढ़ रहे हो। भगवान बोलते हैं तुम मेरे पास आ रहे हो, कुछ चीजें बीच में जो है वो रुकावट पैदा कर रही, उसको हटाते जाओ, रास्ता स्मूथ हो जाएगा। युद्ध करना गलत है, किसी को मारना, अपने दादा को मारना, अपने गुरु को मारना बिल्कुल गलत है, दंडित किया जाएगा वह व्यक्ति। हे कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को मारो, तो द्वंद्व ये नहीं है कि कृष्ण ये कह रहे हैं तो मैं करूं कि नहीं करूं, द्वंद्व ये है कि मैं अपने लिए ये करूं और मैं अपने लिए ना करूं। अर्जुन पहले युद्ध करने आया अपने लिए, फिर युद्ध नहीं कर रहा है अपने लिए, क्योंकि ये द्वंद्व है। लेकिन जब कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, प्रामाणिक गुरु बोल रहे हैं, तो फिर सोचना समझने का नहीं है कि करूं कि नहीं करूं, कैसे करूं, बस उतना बुद्धि लगाना है, नहीं करने का और करने का ये तो विचार ही नहीं आना चाहिए, तभी तो आप द्वंद्व से मुक्त होंगे, नहीं तो अभी भी आप द्वंद्व में हैं। भगवान कह तो रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, करूं कि नहीं करूं, ये द्वंद्व है। भगवान पे ही डाउट, तो अभी भी ज्ञान पूरा नहीं मिला है। तो सिर्फ शुष्क ज्ञान से जाएंगे तो फिर क्या होगा? द्वंद्व से मुक्त नहीं होंगे। और सही सन्यासी क्या है? यहां बोलता रहे भगवान, न द्वेष्टि न कांक्षति, कोई आकांक्षा नहीं करता, कोई द्वेष नहीं करता। भगवान चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, सन्यास शिरोमणि है, वे कहते हैं कि कोई बोलता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये तो भ्रम है ना, ये तो द्वंद्व है संसार का। मैं कौन होता हूं मुझे अच्छा लगना नहीं लगना, मैं बद्ध जीव हूं। भगवान को क्या अच्छा लगता है मुझे वो करना चाहिए, और जिस दिन मैं वो करूंगा उस दिन जीवन मुक्तस्य उच्यते, हमारे आचार्य बताते हैं जीवन में रहते रहते, इस संसार में रहते रहते मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अर्जुन को मिला कि नहीं? अर्जुन ने युद्ध किया, कृष्ण ने कहा अर्जुन ने कर दिया। जैसे भीम और दुर्योधन का द्वंद्व युद्ध चल रहा था, गदा युद्ध लास्ट 18वें दिन पे, तो दुर्योधन का पूरा बॉडी तो स्टील का बना दिया था गांधारी ने आशीर्वाद देके, लेकिन कृष्ण ने उसकी जांघ कवर करवा दी थी, इसीलिए उसकी जांघ जो थी वो स्टील फ्रेम नहीं, स्टील मतलब क्या, ऐसा नहीं कि स्टील डाल दिया गया था, मतलब मजबूत कर दिया, लोहे के जैसा लोखंड का शरीर बन गया। तो भीम कहीं भी वार कर रहा है, दुर्योधन को कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जब भीम को लग रहा है तो भीम तो कमजोर पड़ रहा है। तो भीम ने कृष्ण की ओर देखा, क्या करूं? कृष्ण ने बोला इसकी जंघा पे मारो। अब गदा युद्ध में कमर से नीचे मारना गलत है, ये नियम किसने बनाया? शास्त्रों ने, मतलब भगवान ने।
तो भगवान ने नियम बनाया, भगवान तोड़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? कैसे द्वंद्व हो गया बताइए? लोग कहते हैं भीम ने गलत किया, दुर्योधन को कमर के नीचे मारा। कैसे गलत हुआ? नियम बनाने वाला वहां खड़ा है, वो बोलता है छोड़ो ये नियम, तुम ये नियम करो, नया नियम बना, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति हमारे जैसा है और भगवान भी हमारे जैसे हैं। अगर भगवान हमारे जैसे हैं तो क्यों भगवान की लिखी हुई या कही हुई भगवद गीता को हम पढ़ के आगे बढ़ें, या क्यों भगवान के नाम का जप करें? अपने नाम का जप करो। तो भगवान ने ही कहा, क्योंकि भीम ने वचन भी लिया था, जब दुर्योधन ने जंगा दिखाई थी तब भीम ने वचन लिया था तेरी जांग तोड़ूंगा, तो वो भी वचन पूरा करना है। आचार्य ये भी बताते हैं कि भीम ने दुर्योधन को ऐसे वार किया तो दुर्योधन का शरीर ऊपर थोड़ा उछल गया था, और फिर दुर्योधन का शरीर भीम की कमर से ऊपर था, फिर गदा मारा तो उस दब से ठीक भी। तो ये तो भगवान ने ही बताया ना, तो भीम को कोई द्वंद नहीं था, कोई डाउट नहीं था, कृष्ण ने बोल दिया, कर दिया, बात खत्म। ये है सन्यासी, जो भगवान कहते हैं वो हम करते हैं। सही गलत तो भगवान ही निर्णय लेंगे ना। अब हमने पूर्व जन्मों में कुछ सही भी किया है, अच्छा किया है, कुछ बुरा भी किया है, तो उसका फल आ रहा है, दोनों को स्वीकार करो। प्रॉब्लम क्या है? आप चपाती बना रहे हैं, कुछ चपाती जल गई, खा लो, आप ही का कर्म है, तो आप उसमें भेदभाव नहीं करते हो। अब कोई कहेगा कि ज्ञान का कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे उसके बाद, और मोक्ष होने के बाद हम भगवान बन जाएंगे, भगवान के साथ जाके हम मिक्स हो जाएंगे और हम भी भगवान बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम भगवान से अलग नहीं हुए हैं, हम तो भगवान का एक हिस्सा है जो भिन्न हिस्सा है। शुरू से अलग थे लेकिन साथ में रहते थे, अब हम इधर आ गए, तो वापस जाके भगवान के साथ रह के और लीला करना है, उनकी लीला में सहायक बनना है, हम एक नहीं होंगे। अचिंत भेदा भेद तत्व इसको कहते हैं। तो क्वालिटी भगवान की और हमारी सेम है, लेकिन क्वांटिटी में भगवान अनंत हैं और हम अणु हैं, छोटे से हैं। भगवान विभू हैं, हम छोटे से, एक समंदर और एक समंदर की बूंद, ये फर्क है। तो मोक्ष मिलने पर इसका मतलब नहीं मोक्ष मिल गया तो हम भगवान बन गए, भगवान से एक हो गए, नहीं। एकत्वम प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? जो भगवान चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, हमारे परिवार में बहुत एकता है। एकता मतलब क्या? घर में 5 सदस्य है तो 5ों को बॉयलर में डाल के उसमें से एक शरीर बना दिया, हाँ मोटा तगड़ा, नहीं। एकता मतलब 5ों जो घर के सदस्य हों एक दिशा में सोचते हैं। तो भगवान जो कहते हैं, जो चाहते हैं, वही भक्त करता है, वही चाहता है, वो एकत्व में है। शास्त्रों में उसी को एकत्व बताया गया, उसको गलत मत समझिए कि हम और भगवान एक हो जाएंगे, हमारी विचारधारा एक हो जाएगी, क्योंकि हम भगवान को फॉलो करते हैं। हरे कृष्ण।